कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा तब एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। पांच जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त झरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जरा, गांडियों पर रख बाणों को, प्रतिंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में, योद्धा की दासी यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो का ना, बोले पार्थ सुनो का ना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको बोध खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताकर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भर कर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव बिल्कुल अकुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे, मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कंकन डोल गए माधव, टकटकी बांध कर देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, ए पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो दोषी, वो भी उतने ही हैं जबड़ा भींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले, तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहां अधर्मी है। हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, अरे शोले होने थे आंखों में पर भेदी जलधारा है, शोले होने थे आंखों में पर भेदी जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ, गांडीव उठाने में पार्थ, जितनी भी देर यहां होगी, गांडीव उठाने में पार्थ, जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत दिए कर भी स्वयं जुट जाते हैं, इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता में मुस्काए हैं, अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। आज युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है।
जिंदाबाद। माधव इस रणभूमि में बस नाच दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तुर्थ साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मर कर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मर कर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है डॉक्टर। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र की मान और सम्मान बताओ। जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ। ना कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रस्ते खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार कि जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्म राज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज अभिषेक हुआ। कि धर्म राज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय।